कैसे शाम? आपकी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक है? बेटा शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं, इट्स ऑल माई ड्यूटी। वैसे इस तरह के केसेस में माँ और बच्चे दोनों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। बधाई हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर हम बच्चे को देख सकते हैं? बेटा नहीं, वेइंग नर्स अभी बच्चे को लेकर आती होगी। ओके, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक ठाक हो गया। शाम हाँ श्याम अंकल, अब नए मेहमानों के आने की खुशी मनाइए, मैं ये खुशखबरी माँ को देकर आती हूँ। देखा रघु, बाप बन गया ना। पता नहीं कितनी बार तोड़ेगी यार, नहीं तुलचो गाऊंगे अपने बच्चे। रघु जी बधाई आपका बेटा। एक मिनट, ये रघु का बेटा है तो क्या हुआ, है तो हमारा राजकुमार। देख कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फूल जैसा। ए बेटा, तेरा श्याम चाचा है। मिस्टर श्याम, कांग्रेचुलेशंस। इसे मुझे दे। ये देखो छोटे भैया, कैसा सो रहे हैं। ये कैसे सो रहा है? कितना प्यारा है श्याम। तेरा बच्चा तेरे से ज्यादा गोरा है। नहीं, अभी ऐसा है, बाद में जब बड़ा हो जाएगा ना तो मेरे जैसा होगा बिल्कुल। हैंडसम। कितना अच्छा लग रहा है ना श्याम, तेरी गोद में मेरा बेटा और मेरी गोद में तेरा बेटा। क्यों ना हम इन्हें ऐसे ही रहने दे श्याम। मतलब ये कि कोशिश क्यों नहीं करा रघु, अगर शारदा भाभी और रत्ना को पता चलेगा क्या सोचेंगे वो लोग। नहीं, जब हम शारदा और रत्ना को बताएंगे नहीं तो उनको कहां से पता चलेगा श्याम। रघु अगर हमारी दोस्ती के बीच में कोई दीवार खड़ी करने की कोशिश भी करेगा ना तो इन बच्चों की वजह से वो दीवार कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। अब तू चाहे माने या ना माने, आज से ये मेरा बेटा है।
छोटा बाबा का बेटा, छोटा सा बेटा है मेरा, छोटा पापा, पापा को देखो, तुम्हारे पापा को देखो, देख देख देख। अरे रे रे, थुक्की निकल गई। छोटा बाबा है, बाबा। सो रहा है। शारदा आंटी। अरे दीपा, आओ। एक बात बोलूं? बोलो। आज मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। तो फिर किससे मिलने आई हूँ? मैं आज इस छोटे मेहमान से मिलने आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। दीपा, तुम अकेले आई हो? माया जी साथ में नहीं है? आई है ना, वो रत्ना आंटी के पास है। अच्छा। टुकुर टुकुर दिख रहा। दीपा दीदी है, दीपा दीदी। हाँ हाँ। क्या बात है दीपा, बच्चे को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? श्याम अंकल, आपने एक बात नोट की क्या? इसकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। देखो ना, ये आंखें, ये नाक और ये रंग तो एकदम आपके जैसा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इससे इन दोनों की दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी, है ना? अब रघु, जब तक दीपा यहाँ बैठी है, चलना माया जी से मिल के आते हैं। ठीक है शारदा जी, हम लोग माया जी से मिल के आते हैं। जी नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, इतना बहुत ही प्यारा है। ले 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 ले। ओफो। क्या हुआ आंटी? कर दिया काम? बदमाश कहीं का। क्या कहा? तुम्हें भी बहुत मजा आया? मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। सोनू ने जो जोक मारा। हाँ। अच्छा सुनो, तुम मुझे थोड़ी देर बाद फोन करोगे? देखो मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ। ओके ओके, बाय। सुटिया, ये क्या है? मैं जले हुए टोस्ट खाऊंगी? बोलो, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? वो मैं घर का एक काम भी ठीक से नहीं करती। तुम उठाओ प्लेट और दोबारा मेरे लिए टोस्ट बना के लाओ। जी। रीना, माँ कहाँ है? माँ अंकल के साथ बाहर गई है। थक तेरे की, हो गई सारी गड़बड़। ये माँ सुबह सुबह कहाँ चली जाती है? तुझे क्या करना है जानकर? सुन, तेरे पास कुछ पैसे होंगे? कितने? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कोई 500-600 रुपए। इतने पैसे का तू क्या करेगा? जुए में लगाने। What? जुए में? इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है बहन, मैं उस जुए की बात कर रहा हूँ जो मैं दीपा को लेकर खेल रहा हूँ। क्यों, दीपा को आउटिंग पे ले जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, उसके केस में ये सब टैक्टिक्स काम आने वाले नहीं। क्यों? वो डरपोक लड़की है। दीपा डरपोक होती तो उस मैकेनिक के साथ भाग जाती। रीना, वो किस्सा खत्म हो चुका है। उसे खत्म करवाने में अंकल के पूरे 50,000 रुपए लगवा दिए तूने। अंकल के 50,000 छोड़, तू अपनी सुना, 500-600 देगी या नहीं? इतने पैसे का क्या करेगा तू? अरे दीपा की एक आंटी है शारदा, जब दीपा हॉस्पिटल में थी तो उसने बहुत मदद की उसकी। अब वो हॉस्पिटल में, उसको बच्चा हुआ, उसी के लिए फूल वूल लेकर जाने। उसे फूल देके तुझे क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा है बहन, दीपा के साथ साथ उसके साथ जुड़े सभी लोगों की नजर में मैं अच्छा लड़का बन जाऊंगा, काम और आसान हो जाएगा। अगर 500-600 रुपए में इमेज बनती है तो सौदा महंगा नहीं है, क्या कहती है तू?
आइडिया बुरा नहीं है। रत्ना, ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? इसे चुप कराओ। इसे रोने के अलावा आता है क्या? है सारी रात रो रो के मेरी जान हलकान कर दी, आप चुप कर रही है ना? अरे बच्चों के साथ थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ती है, और इनका क्या है, एक पल में हंसने लगते हैं, एक पल में रोने लगते। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, जाइए आप यहाँ से। रत्ना, ये क्या है, बच्चा इस तरह से रो रहा है और तुम मुंह फेरे लेती हो? ये मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है, और मजबूरी से आदमी को लगाव नहीं हो सकता, सिर्फ नफरत हो सकती है। रत्ना, सच सुन के इतना दिल मिला क्यों रहे? तुम अच्छी तरह जानती हो श्याम के इस बच्चे की वजह से मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। जो चीज तकलीफ दे उससे सिर्फ नफरत ही हो सकती है। कैसी माँ हो तुम? मैं माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ रत्ना हूँ, रत्ना। आले ले ले, छोटा सा राजकुमार। आ, कहीं रोते रोते मेरे कपड़े खराब मत करना। लाओ से यहां दो, वरना सचमुच कुछ करना बैठे। नहीं, इसे उठाना अच्छा लगता है। जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर मत कहना। नहीं कहूंगी। ले 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 ले। कुछ कुछ कुछ। ना। हाय दीपा। हाय। ओ सो क्यूट। नमस्ते शारदा जी। अजय, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। नए मेहमान के आने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। ओ ले 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 ले। क्या कह रहा है मुन्ना? कितना प्यारा बच्चा है ना दीपा। Actually, माँ भी आना चाहती थी आपको बधाई देने। अच्छा? लेकिन उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से उन्हें भी शुक्रिया कहना। Sure. रघु जी दिखाई नहीं दे रहे। क्या हो गया तुझे? देख लिया ना तूने? देखा ना, इसीलिए मैं मना करता था बच्चा बदलने के लिए। श्याम, मैंने ये सब अपनी दोस्ती को जिंदगी भर कायम रखने के लिए किया है। अरे वो ठीक है रघु, लेकिन हम अपनी दोस्ती के लिए नन्ही सी जान को तकलीफ में नहीं डाल सकते यार। देखा है रत्ना का रवैया उस बच्चे के प्रति कैसा है? मैंने देखा श्याम, लेकिन तू तो जरा सी बात के लिए परेशान। जरा सी बात? एक माँ का अपने बच्चे को प्यार ना करना एक जरा सी बात है तेरे लिए? नहीं रघु, अगर वो बच्चा मेरा होता ना तो शायद मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता, दिल पे पत्थर रख लेता, लेकिन वो बच्चा तेरा है रघु, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। श्याम, ये तेरे मेरे का फर्क खत्म करने के लिए तो मैंने बच्चे बदले हैं, और मैं मानता हूं कि बच्चे के प्रति रत्ना का रवैया अच्छा नहीं है, लेकिन ये रवैया हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अरे रहेगा रघु, रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। उसके दिल में उस बच्चे के लिए प्यार है ही नहीं, सिर्फ नफरत भरी पड़ी है। वो बहुत बुरी औरत है रघु। श्याम, औरत बुरी हो सकती है, माँ कभी बुरी नहीं होती। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दे, जब वो बच्चा रत्ना को माँ कहकर बुलाएगा ना तो रत्ना की सारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। श्याम, मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दे बस। अच्छा हुआ दीपा, रत्ना जी और उनका बच्चा सही सलामत है, नहीं तो काफी अनर्थ हो जाता। हाँ। वैसे कितनी अजीब सी बात है, बच्चे हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। हाँ, ये तो है। अब इफ यू डोंट माइंड थोड़ी देर बैठ जाए। ओके, थैंक यू। एक राज की बात बताऊं? क्या?
बच्चों के बारे में आज मैं जितनी बात तुमसे कर रहा हूं वो आज से पहले मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अगर यहां ना आता तो आज भी ना सोचता। हम जिस माहौल में होते हैं वैसे ही सोचते हैं। आज एक और अच्छी बात। कौन सी बात? आज मुझे ये भी एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ सहकर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया होगा, कितना दर्द सहा होगा ना उसने। हर माँ सहती है। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो मेरी माँ ही इम्पोर्टेंट है ना। दीपा, मेरी माँ का एक सपना है जो उसने मुझे लेकर संजोया। शायद तुम समझ गई होगी वो क्या सपना है। समझ गई हो ना? कुछ कुछ। जल्दी सब कुछ समझ लो। मैं माँ का वो सपना जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। तो कीजिए ना। कैसे करूं? तुम्हें तो अभी सोचने के लिए समय चाहिए। दीपा, प्लीज इतना मत सोचो, जल्दी अपना डिसीजन ले लो। अगर मैं माँ का वो सपना पूरा करने में देर लगाऊंगा ना तो अच्छे बच्चे से गंदा बच्चा बन जाऊंगा। रीना, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हेलो। हेलो मैडम, मैं अनमोल ड्राई क्लीनर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपकी तरफ 9 साड़ियों की ड्राई क्लीनिंग की पेमेंट बाकी है। लेकिन वो पेमेंट तो मैं रीना के हाथ भिजवा चुकी हूँ सुबह को। नहीं मैडम, ना तो रीना जी आई और ना ही पेमेंट आई है। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक भिजवाती हूँ। रीना, मैं सुबह तुम्हें 500 रुपये देकर गई थी ना? हाँ। फिर तुमने ड्राई क्लीनर की पेमेंट क्यों नहीं की? वो रुपये तो अजय ले गया था ना। अजय ले गया था, मगर क्यों? कह रहा था दीपा को इम्प्रेस करने के लिए किसी को फूल देने हैं। दीपा को इम्प्रेस करने के लिए किसी और को फूल देने? ऐसा कौन हो सकता है? कह रहा था कोई आंटी वांटी है। दीपा ना हुई कोई बीमारी हो गई, पैसों पे पैसे लगाए जा रहे और काबू में नहीं आ रहे। लेकिन मम्मी, अजय कह रहा था अब ये खेल जल्दी खत्म होने वाला है। पिछले 6 महीनों से यही बात कह रहा है, मगर कुछ हुआ? दीपा पर वो जितने पैसे खर्च कर चुका है उतने पैसों में तो मैं दीपा जैसी 10 लड़कियां खड़ी कर देती। लेकिन मम्मी, उन लड़कियों के साथ मकान तो नहीं आ सकता ना। बस यही बात सोचकर तो मैं चुप बैठी हूँ और पैसों पर पैसे फूके जा रही हूँ। मगर अब मैं अजय से कहूंगी कि वो दीपा से जल्दी शादी कर ले और पैसों की वसूली कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर इतना कर्जा चढ़ जाए कि वो जिंदगी भर उसे उतार ना सके। किसका बच्चा रो रहा है? शायद रत्ना की आंख लग गई है और उसका बच्चा रो रहा होगा। आप लोग जरा जाकर देखिए ना। नहीं, मैं देखता हूँ। तो बेटा, रत्ना क्या है ये? रो रो के मेरी जान हल्का कर दी शाम, इसने मुझे सोने भी नहीं दिया। कितनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ। मतलब क्या बोल रही तुम? क्या बोल रही हूँ मतलब? अरे तुम्हारा बेटा ही है। शामी मेरा बेटा नहीं है, प्लीज। मैंने छुटकारा पाने की इतनी कोशिश की थी फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्लीज इसको बाहर लेके जाओ ना, मैं सोना चाहती हूँ। शाम माँ हो तुम? अरे माए तो अपने बच्चों की नींद के लिए रात रात भर जागती रहती है, और एक तुम हो जो अपने बच्चे को सुलाने के बजाय अपनी नींद की बात कर रही है। मैंने कहा ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बार बार इस बच्चे की माँ कहकर जबरदस्ती का ये रिश्ता मुझ पर मत थोपो। ये जबरदस्ती की बात नहीं रत्ना, ये तुम्हारा बेटा है और तुम इसकी माँ हो, ये एक सच्चाई है। तुम्हारे लिए होगा ये सच, मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है और मैं इस झूठ को कभी भी सच नहीं मानूंगी, न इस बच्चे को। रत्ना इतनी पत्थर दिल मत बनो, देखो ना बेचारा कितना बिलक बिलक के रो रहा है,
उसे दूध पिलाकर सुला सकते हो? रो रोकर खुद ही सो जाएगा। तो तुम उसे दूध नहीं पिलाओगी? नहीं। नहीं 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 नही